आकाश की आंखों में पश्चाताप देखा है। मैं नहीं कह रहा कि हम सबको उसे माफ कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पश्चाताप के लिए, सबका दिल जीतने के लिए उसे एक छोटा मौका मिलना चाहिए। नहीं मिल सकता उसे एक और मौका, नहीं दे सकते हम। आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप प्लीज कीजिए, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। अम्मू को अपने कमरे में ले जाइए। अम्मू प्लीज आप आराम कीजिए। चलिए अम्मू ना। अगर आपको आकाश की वकालत करनी है तो आज से हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। मैं किसी की वकालत करने के लिए नहीं आया। किसी और के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूं। आपको याद है आज कौन सा दिन है? हमारी बेटी यहां तकलीफ में है और आने की कोई सबूत नहीं है। कहां दिन रात कुछ पता नहीं, और आप हमसे पूछने आज का नहीं आता। आज वो दिन जिस दिन आप मेरे पास एक सवाल लेकर आए थे, मेरे घर मुझसे ये पूछने की क्या मैं आपसे शादी करूंगा, याद है? हमसे सच्चा प्यार करते हैं तो आज आपके प्यार का इम्तिहान है। क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? आपके सवाल के जवाब में हमने शादी की, और शादी वाली रात एक अंगूठी दी मैंने आपको, जो पता नहीं दिखती नहीं। काफी नाराज होकर चली गई, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझसे रहा नहीं गया। हैप्पी एनिवर्सरी। अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं ये आपको पहना सकता हूं। आप सुंदर लग रही हैं। बस इतनी छोटी सी मुस्कुराहट, आप उस पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? आप क्यों हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे? हम आपसे ये बहस कर चुके ना, आपको याद है मैं पेंटर बनकर आपके बेडरूम में घुसा आया था, बारात लेकर आपके घर आ गया था, आपको फोन करता रहता था, आप कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, कब आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, सब पता था मुझे। यही शायद वो भी करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन आप में और उसमें फर्क है। हो सकता है, मैं तो सिर्फ मौका दे रहा हूं क्योंकि मुझे देखो, मैं आज भी यहीं खड़ा हूं, उस डिवोर्स के कागज को साइन करने के बाद भी मैं यहीं आपके पास खड़ा हूं। पापा आपके लिए कॉफी। क्या कर रहे थे आप दोनों?
क्या है? पहले तो कभी नहीं देखा। वाओ, पापा ने गिफ्ट दी। श्रेवी पापा कैसी है? बहुत खूबसूरत। हम अभी कह रहे हैं आप गलत। अब पापा के साथ बैठकर बातें कीजिए, हम अभी आते। हमारे लिए तो आप कभी कुछ नहीं लेकर आते हो। हमें भी चाहिए वैसी वाली रिंग। बस के लिए तो सिर्फ एक रिंग आई है, आपके लिए तो पूरी ज्वेलरी शॉप ऑर्डर करके आया हूं मैं। पर अगर आपको ऐसे डिमांड ही करना है और वो भी यूं क्यूटली, तो जाइए उनसे कीजिए जिनके सपने लेती हैं आप और फिर आपके चेहरे पर स्पेशल वाली स्माइल आती है। पापा हमने कहा था ना आपसे, जिस दिन ऐसा कोई होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। अब प्रॉमिस। प्रॉमिस ठीक है, अगर आप प्रॉमिस कर ही रही हैं तो फिर मुझे ये प्रॉमिस कीजिए कि वो वैसा होगा जैसा मैं हूँ आपकी मम्मी के साथ। आपका वैसे ही ख्याल रखेगा जैसे मैं उनका रखता हूँ। हाँ, गो गेट मी सम कॉफी। तुम नहीं समझा ली। तुम नहीं समझा ली। बहना, अचूक खबर है आकाश बिटवा की। है ना खबर, बहुत बड़ी खुश खबरी है। बिटवा आ रहा है बहुरिया को लेके। कब? कछु बात हुई काना के बारे में? सुरभि बिटिया के बारे में कछु बात हुई? इतने उतावले काहे हो रहे? अरे खबर पूरी बात सुन, बिटवा आ रहा है ये खबर सच? बहुरिया को लेके आ रहा है, ये तो हमार ख्वाब हमारी इच्छा है। ना ही मानी बहुरिया तो ना ही मानी, जो तकदीर में है हार बिटवा के नसीब में, सुरभि बिटिया के भाग में प्या का सुखनाई तो का करे प्रभु इच्छा। क्या बात कर रही है बहना? अरे आकाश बिटवा की कुंडली तो हम कई बार देखे, उनमें तो आकाश बिटवा का और बिटी का मिलन होना तय है, हम देखे हैं बार बार। तनिक एक नजर सुरभि की कुंडली पर भी डाल दो भैया, देख लो क्या कह रहे हैं ग्रह। बाकी कुंडली भी देखी है बाबा, परी का फिर है तकदीर का कछु समझ में नहीं आवत। फिर नहीं हमार खेल है, हमार बिटवा को मोहरा बनाकर अपनी बिटिया के लाने सौदा करने चले थे, ये बात तो तय है। हमीठी यहाँ आएगी और ना ही तो हार बिटिया सुखी आ जाएगी। We'll be right back.
मीठी। आप क्या देख रही हैं खिड़की के बाहर? आकाश को देख रहे हैं? नहीं, एक जिद्दी इंसान अगर दरवाजे के बाहर खड़ा रहे इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं खिड़की पे खड़ी नहीं रह सकती। और वैसे मुझे अच्छा लगता है खिड़की पे खड़े रहना। अच्छा लगता है तो आपको करना चाहिए। पता है जरूरी बात क्या है? ना किसी और की मंशा, ना किसी और की राय, ना किसी और की उम्र। जरूरी बात है कि आप क्या चाहती हैं। जो आपका दिल चाहता है आपको वही करना चाहिए। मेरा दिल यही चाहता है कि वो यहां से चला जाए। एक बार दिल पर हाथ रख के कहेंगे। आपको इतनी हमदर्दी क्यों है आकाश से? आप और मुक्ता ही थी ना जो शादी के मंडप पे मुझसे सच कह रहे थे, फिर आज अचानक इतना प्यार क्यों? और अंकल आप ही ने तो उसे सजा दी थी ना। और वो सजा उसे मिलनी चाहिए थी। उसे मारना, उसे घायल करना, बस इतनी सी सजा? और जो सजा मैं भुगत रही हूँ उससे शादी करके उसका क्या? उसकी माँ ने मेरी माँ के मौत पे मुझे नचवाया है। उसकी माँ ने मेरी अन्नी को फोन करके धमकी दी है जिसकी वजह से अन्नी को हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से आज मेरी अन्नी इतनी बीमार है। इसकी क्या सजा होनी चाहिए बताइए। बेटी मुझे पता नहीं था उस फोन कॉल के बारे में, किसी ने मुझे बताया नहीं। वैसे भी मैं यहां किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं आया। जहां तक आकाश की मां का सवाल है, मुझसे ज्यादा आप जानती होंगी उन्हें। मैं एक बार मिला और उसे एक मुलाकात में मैं समझ गया था कि उन्होंने एक बेटी को नहीं, बदला लेने वाले सिपाही को बड़ा किया है। उस दिन अस्पताल के बाहर जब मैं आकाश से मिला तो इसकी आंखों में पश्चाताप था। और पता है मुझे आपकी आंखों में क्या दिखाई देता है? उदासी। झूठे प्यार की आंख से बेहतर है सच्ची उदासी। और ये आपके दिल की आवाज है या किसी और की? मैंने अन्नी से वादा किया है कि मैं आकाश को दोबारा अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगी। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप कोई वादा तोड़ें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये आपकी जिंदगी है। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप आकाश को अपना लें, माफ कर दें उसे। अगर आपके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं ठीक है, फिर आपको किसी नए रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह आपकी तपस्या मासी आपसे कह रही थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है मीठी कि आपके दिल में जो आकाश के लिए जगह है वो जगह आप किसी और को नहीं दे सकते। आई एक्सेप्ट कि मैं आकाश को नहीं बुला पाई, लेकिन मेरी शादी न करने की वजह वो नहीं है अंकल, वजह कुछ और है। एक रिश्ते के दुख से छुटकारा पाने के लिए मैं दूसरे रिश्ते का हाथ नहीं थामना चाहती, वो मेरी कमजोरी होगी। अगर आकाश मेरा अतीत है तो मुझ में उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं अपने अतीत से लड़ सकूं। मीठी मैं यहाँ अपनी राय थोपने के लिए नहीं आया, मैं आपको सिर्फ इतना कहने आया था कि जो डिसीजन भी हो, जो फैसला भी हो, वो आपका हो। आफ्टरऑल ये आप ही की जिंदगी। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के प्रेशर में कोई फैसला लेना चाहिए जो बाद में आप
इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आप खुश रहें, अपना ख्याल रखिए। क्या छुपा रहे आप? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, दिखाइए। वाओ, बहुत सुंदर है, वेरी प्रिटी। आपके लिए। भी नहीं खोएंगे, प्यार की पहली निशानी है। करने वाला था पर अब तक कोई फोन नहीं आया। मुक्ता, आपके लिए ना फोन आया। हाँ जी, शायद विष्णु होगा। ओके। लगता है मुक्कू किसी के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लो, यहाँ पर भी फोन और वहाँ पर भी फोन। हेलो, आपके लिए गिफ्ट है। हमारे लिए? आपका? अरे, हम रोहिणी हैं, मुक्ता की माँ की मामी। हाँ जी, पर छोड़िए, आप बताएं ना हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? वो एक्चुअली आपके लिए नहीं है वो। हाँ, मुक्ता के लिए होगा, है ना जी? नहीं, वो एक्चुअली मुक्ता के लिए भी नहीं है वो। वो मीठी के लिए है। मीठी के लिए? उनका बर्थडे आने वाला है ना। अच्छा बताइए ना, आप मीठी के लिए भी क्या लाए? किताब, किताब। किताब? पर आप हमारे लिए तो गिफ्ट लाएंगे ना? है जी, अब ला ही रहे, तो आप हमारे लिए ना वो हैंड वाला जो बैग होता है ना, वो ले आएगा। जी, अगली बार आऊंगा तो जरूर लाऊंगा। अरे वाह जी, वो कहते ना अंग्रेजी में थैंक यू जी, टाटा। सुनिए, लो तुम्हारे लिए यहाँ पर भी फोन और वहाँ पर भी फोन। किसका फोन था? वो किसी कॉलेज फ्रेंड का था। यहाँ किसने फोन किया था? विष्णु जी का फोन आया था। पर पता है बड़े घनचक्कर कल से है, फोन आपको किया और गिफ्ट मीठी के लिए लिया। वो उसका बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए वो भी किताब लाए हैं। भगवान ही जाने ऐसे पढ़ाकू लोगों को, आप बात कर लेना। है जी, ठीक है। मीठी के लिए गिफ्ट और हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारा बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ? एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ला सकता था? कंजूस। ये लीजिए अम्मू, प्लीज दवाई ले लीजिए। मुझे नहीं खानी है दवाई। जिस इंसान ने मेरी बच्ची का जीवन तहस नहस कर दिया, उसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ बेबी जी? आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका उसने? क्या होता, मर जाती ना मैं? ऐसी बातें कर रही है, प्लीज शांत हो जाइए। हम जानते हैं जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त हमें आकाश को मीठी से दूर रखना है।
तक ही वो हमारी बेटी को बहला फुसला के फिर से आतिश घर ना ले जाए। जब तक वो आकाश घर के बाहर था तब तक ठीक था, लेकिन पता है बेबी जी, कल रात वो मीठी के कमरे में आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं मीठी के कमरे में पहुंच गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। हिम्मत कैसे की मेरे कमरे में आने की।